किसी तो तरीके से कुछ तो इलीगल चीज हुई है, तो वो तुरंत एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं और वहां से ब्लड एक्सट्रैक्ट करके पूरे घर में छिड़का गया। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दो और लोग इन्वॉल्व थे। हाउ स्टूपिड, दिस इज इनसेन। ये पूरी स्टोरी पढ़ते हुए मैं तो हिल गया था कि ये कैसे पॉसिबल है। ये कहानी शुरू होती है चेन्नई से, जहाँ पे सेल्वराज एक लड़का अपनी माँ को रोजाना की तरह कॉल करता है उनका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन उसकी माँ फोन नहीं उठाती। वो कई बार कोशिश करता है अपनी माँ को फोन करने की, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ऐसा होने पे सेल्वराज को टेंशन होने लगी कि हो क्या रहा है, मेरी माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो सेल्वराज अपनी आंटी को फोन करता है जो उसी घर के पास रहती है, और अपनी आंटी से बोलता है कि प्लीज जाके मेरी मॉम के ऊपर एक बार नजर मारो, एक बार चेक कराओ कि वो कैसी है। उसकी आंटी का नाम पलानी अम्मा होता है। पलानी अम्मा को बताने के बाद कि काफी टाइम से उसकी मॉम फोन नहीं उठा रही है, पलानी अम्मा जो आंटी है वो जाके चेक करती है, और जब वो चेक करने जाती है तो उनको घर में सेल्वराज की मॉम नहीं दिखती। अब पता नहीं कि सेल्वराज की मॉम गई कहाँ पे, किसी को कोई आइडिया नहीं। और काफी ढूंढने के बाद जब सेल्वराज की मॉम नहीं मिलती है तो वो तुरंत एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। सेल्वराज की चेन्नई में ही नई नई नौकरी लगी थी और उसको काम करते हुए कुछ 7 महीने हुए थे, लेकिन जब उसको टेंशन होने लगी कि उसकी मॉम कहाँ पर है, वो टेंशन उसको वापस से उसके घर खींच लाए। वो वापस आ गया था अपनी मॉम को ढूंढने। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पे पता चला कि जिस इंसान से लास्ट टाइम सेल्वराज की मॉम ने बात करी थी उसका नाम था शेफी, मोहम्मद शेफी, जो शेनॉय रोड पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। पुलिस को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत उस रेस्टोरेंट की तरफ गए शेफी से बात करने कि शायद उसको कुछ पता हो। जैसे ही पुलिस रेस्टोरेंट के पास पहुंची तो शेफी ने देखा कि वहां पे रेस्टोरेंट के सामने कुछ पुलिस की गाड़ी और कुछ पुलिस वाले आए हैं, और वो पुलिस वाले रेस्टोरेंट के अंदर ही आ रहे। जैसे ही शेफी ने ये चीज देखी वो पैनिक कर गया और वो वहां से भागने लगा। उसको भागता देख सीधा सीधा पुलिस को समझ आ गया था कि इस इंसान को कुछ पता है और इस इंसान ने कुछ तो करा है, और यही सोच के पुलिस उसके पीछे भागी। थोड़ा भाग दौड़ के बाद उसको पकड़ लिया गया। जैसे ही वो पकड़ा गया उसने पुलिस के सामने सीधा सीधा बोल दिया कि ये मैंने नहीं करा है, मैंने नहीं मारा उसे, मेरे साथ दो और लोग थे जिनका इसमें हाथ है। पुलिस वहीं पे शॉक हो चुकी थी क्योंकि वो तो सिर्फ पूछताछ करने आए थे, लेकिन शेफी ने जैसे ही ये चीज बोली उनको समझ आ गया कि शेफी ने कुछ तो करा है, किसी तो तरीके से कुछ तो इलीगल चीज हुई है जिसके अंदर शेफी इन्वॉल्व है, और जो उसके साथ दो लोग थे उन्होंने भी कुछ करा है। और इसी मोमेंट से केरला का फेमस ह्यूमन सैक्रिफाइस केस ओपन हुआ था जिसके अंदर दो लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। भागवल सिंह और लैला सिंह एक बहुत ही प्यारा सा कपल जो एक सोसाइटी में रहता था, नॉर्मल सोसाइटी में रहता था, और वो दोनों उस सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, सारे लोग उन्हें जानते थे, दोनों डॉक्टर्स थे और दोनों के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में। वो काफ़ी आराम से रहते थे अपने सोसाइटी के एरिया में, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी फेमस थे। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, बातचीत करते रहते थे, कभी फोटोज डाल देते थे, काफ़ी स्वीट सा कपल था। सोसाइटी वालों को भी लगता था कि यार ये दोनों तो बड़े अच्छे से हैं, बहुत शांति से रहते हैं और किसी को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि घर के अंदर क्या चल रहा है। घर के अंदर काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो जो दोनों लोग थे, जो कपल था, वो इस प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा था। उनको कोई भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से करके वो अपना गुजारा चला रहे थे। भागवल सिंह ने 2019 में एक नया दोस्त बनाया फेसबुक पे, या फिर हम कह सकते हैं एक नई दोस्त बनाई फेसबुक पे, जिसका नाम था श्रीदेवी। और कमाल की बात ये है कि भागवल सिंह ने श्रीदेवी से 2 साल तक बात करी है। 2 साल तक भागवल सिंह ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई श्रीदेवी को, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बाकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, डेली रूटीन बताना, सब कुछ करना, और इस चीज़ की वजह से दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था। जैसे ही भागवल सिंह ने श्रीदेवी के सामने अपनी बातें ओपन करना शुरू करी, अपनी प्रॉब्लम्स ओपन करना शुरू करी, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि काफ़ी टाइम से उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफी टाइम से वो पैसे को लेके बहुत ज्यादा परेशान है और उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। श्रीदेवी ने जैसे ही भगवल सिंह की ये प्रॉब्लम सुनी और उन्हें पता चला कि काफी टाइम से भगवल सिंह इन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो श्रीदेवी ने बताया कि काफी टाइम पहले श्रीदेवी की लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी,
पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, लेकिन एक इंसान था जिसने श्रीदेवी की मदद करी थी और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी श्रीदेवी के लिए। भगवत सिंह को जब पता चला कि ऐसा कोई इंसान है जो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो उन्होंने पूछा श्रीदेवी से कि क्या इंसान हमारी मदद कर सकता है। कुछ दिनों बाद भगवत सिंह और लैला सिंह के घर पे एक इंसान आया और उसने आके बताया कि उस इंसान को श्रीदेवी ने भेजा है, और वो इंसान और कोई नहीं मोहम्मद शेफी था। काफ़ी बातचीत के बाद मोहम्मद शेफी ने बताया कि भगवत सिंह और लैला सिंह के घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है उसका रीज़न और कुछ नहीं पर ब्लैक मैजिक है, किसी ने उनके ऊपर काला जादू कर रखा है, इसकी वजह से उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रखी है और उनको पैसे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे। ये बात सुनते ही दोनों भगवत सिंह और लैला सिंह ने पूछा कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। मोहम्मद शेफी ने सामने सामने एक सोल्यूशन रखा है। जब उसने बताया कि वो दोनों पोजेस्ड हैं या फिर उन पर काला जादू हुआ है, तो मोहम्मद शेफी ने सीधा सीधा बोला कि मैं इस चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताते बताते ही संभव कन्विंस्ड भगवत सिंह कि वो शेफी को अलाउ करें टू स्लीप विद हिज वाइफ। और ये खाली फक्ड अप पार्ट नहीं था, टू स्लीप विद हिज वाइफ व्हाइल भगवत सिंह इज अराउंड, इज इन द रूम। उसी रूम में भगवत सिंह हैड टू वॉच एवरीथिंग हैपन। मेरा तो इस कहानी में ये सुनते ही मेरा तो दिमाग फट गया था कि कैसे हो सकता है, ये दोनों डॉक्टर्स थे, दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं समझ आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। आई गेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतना ज़्यादा टोल ले सकते हैं इंसान पे कि इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाए। मोहम्मद शेफी पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, एंड ही कन्विंस्ड टू डॉक्टर्स टू गो थ्रू दिस रिचुअल जो शेफी ने पूरा एक्सप्लेन करा था उनको। लाइक इट्स बिजार, इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन इस चीज़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो और भी ज़्यादा फक्ड अप है। इसके बाद शेफी ने बोला कि नेक्स्ट स्टेप के लिए वी नीड टू सैक्रिफाइस समवन, कि उन तीनों को मिलके एक ह्यूमन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। शेफी ने बोला कि अगर उन दोनों को, उन दोनों डॉक्टर्स को, उस कपल को अगर दिक्कत आ रही है कोई ऐसा इंसान ढूंढने में, तो शेफी एक फीस लेगा उन दोनों से, लेकिन वो एक इंसान को ले आएगा जिसको वो सैक्रिफाइस कर सकते। ही विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द रिचुअल। भगवत सिंह और लैला सिंह ने हाँ बोला इस चीज पे, एंड शेफी वापस अपने रेस्टोरेंट गया। शेफी अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के थ्रू काफ़ी सारी औरतों को जानता था, और वो सारी औरतें एक ही काम में इन्वॉल्व थी, सारी एक ही काम करती थी जो था लॉटरी टिकट बेचना। और उन सब लड़कियों में से एक लड़की थी रोसलिन। शेफी ने जाके रोसलिन से बात करी और उसने बोला कि मेरे को, लाइक शेफी को, एक एडल्ट फिल्म शूट करनी है, एक अडल्ट वीडियो शूट करनी है, बेसिकली उसे पॉर्न शूट करनी है, एंड उसे एक एक्ट्रेस चाहिए। एंड उसने रोसलिन को बोला कि वो उसे 10 लाख रुपये देगा फॉर वन सीन। अब तुम खुद इमेजिन करो रोसलिन के पर्सपेक्टिव से, लाइक यू आर मेकिंग 1000 रुपीज़ पर डे, वो भी पूरा दिन काम करने पे, लॉटरी टिकट्स बेचने पे, और कई बार तो 1000-1500 रुपये भी नहीं बनते थे, बहुत कम बनते थे। ऐसे इंसान को तुम बोलो कि एक वीडियो के लिए, लाइक एक सीन के लिए उसे 10 लाख रुपये मिलेंगे, तो उनका क्या ही डिसीजन होगा। रोसलिन सेड यस, और दूसरी साइड रिचुअल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। शेफी रोसलिन को लेके भगवत सिंह और लैला सिंह के घर गया। वहाँ पे जाके रोसलिन को बेड से बांध दिया गया और रोसलिन को लगा कि ये सीन का पार्ट है। एंड जैसे ही उसे लगा कि सीन शुरू होने वाला है, वो सुन पा रही थी कि शेफी साइड में कुछ मंत्र पढ़ रहा है, और उसी टाइम रोसलिन को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जैसे ही चीखने की कोशिश करी, लैला सिंह ने सीधा आके उसका गला काट दिया। रोसलिन का मर्डर करने के बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी। जो तीनों लोग थे उन्होंने रोसलिन का फ्लैश काट के खाया है। रिचुअल के नाम पे दो डॉक्टर्स ने और एक अनपढ़ ने ये सारी हरकतें करी हैं। उन्होंने लिटरली फ्लैश को काट के खाया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाउ स्टूपिड, दिस इज इनसेन। ये पूरी स्टोरी पढ़ते हुए मैं तो हिल गया था कि ये कैसे पॉसिबल है, कि क्या लोग इतने पागल हो सकते हैं। इस मर्डर के बाद जो रोसलिन की बॉडी थी वो भगवत सिंह और लैला सिंह के घर के बैकयार्ड में ही गाड़ दी गई थी। कुछ टाइम बीता और भगवत सिंह और लैला सिंह ने कंप्लेन करा कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया लाइफ में,
हमने यहाँ पे एक ह्यूमन सैक्रिफाइस भी कर दिया, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो शेफी ने उसका जवाब दिया कि जो तुम पे ब्लैक मैजिक हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसको तुम सिर्फ एक सैक्रिफाइस से टाल नहीं सकते। शेफी ने बोला कि हमें एक और ह्यूमन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो दोबारा से सेम डिमांड रखने पे शेफी ने दोबारा से पैसे लिए भगवल सिंह और लैला सिंह से कि वो एक और इंसान को ले आएगा इस रिचुअल के लिए। और पैसे मिलने के बाद शेफी वापस से निकल गया एक और विक्टिम को ढूंढने के। शेफी ज्यादा दूर नहीं गया, शेफी वापस से उसी सर्कल में गया जहां से वो रोसलिन को लाया था। उसी सर्कल में वो वापस ढूंढने लगा अपने विक्टिम को, जिस सर्कल में वो सारी औरतें थी जो लॉटरी टिकट बेचती थी। और वहां पे शेफी को मिली पद्मा। शेफी ने पद्मा को वो सेम ऑफर दिया जो उसने रोसलिन को दिया था, सेम वीडियो शूट, सेम एडल्ट फिल्म, सेम अमाउंट। और रोसलिन की तरह पद्मा ने भी हाँ बोल दिया। शेफी पहले की तरह ही पद्मा को उन दोनों के घर लेके गया, वापस से सेम रिचुअल हुआ और पद्मा का गला काट दिया गया। उसके बाद पद्मा के प्राइवेट पार्ट्स पे भी अटैक करा गया और वहां से ब्लड एक्सट्रैक्ट करके पूरे घर में छिड़का गया। ये सब कुछ एक रिचुअल के नाम पे हुआ था दो डॉक्टर्स के घर में। इसके बाद पद्मा के 52 टुकड़े करे गए और उन टुकड़ों को जहां पे रोसलिन को गाड़ा था उसी के ऊपर उन टुकड़ों को गाड़ दिया गया। जो स्टार्टिंग में मैं स्टोरी बता रहा था सेल्वराज, उसकी मॉम का नाम पद्मा था। जो दूसरा विक्टिम थी इस रिचुअल की वो सेल्वराज की मॉम थी। जब सेल्वराज ने कंप्लेंट फाइल करी कि उसकी मॉम मिसिंग है, तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करने निकली तो वो शेफी के पास पहुंची, क्योंकि वही लास्ट इंसान था जिससे पद्मा ने बात करी थी। और जब शेफी भागा तो उसको पुलिस पकड़ने लगी, और जैसे ही उसको पकड़ा तो उसने वहीं पे सब कुछ बता दिया पुलिस को कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दो और लोग इन्वॉल्व थे। और वहीं से पुलिस को समझ आ गया कि ये खाली एक मिसिंग केस नहीं है, इसके अराउंड बहुत सारी और चीज़ें हैं। उसी टाइम जैसे ही पुलिस को ये सब कुछ पता चला, पुलिस ने फटाफट शेफी को अरेस्ट कर लिया था। जैसे ही पुलिस ने शेफी को पकड़ा, उन्होंने शेफी का बैकग्राउंड चेक करा और पता चला कि कुछ सालों पहले उस पर ऑलरेडी एक केस कर दिया गया था। शेफी पे ऑलरेडी एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस था और उस टाइम पे विक्टिम एक 75 ईयर ओल्ड लेडी थी, लेकिन उस केस में शेफी को बेल मिल गई थी। और कमाल की बात यह है कि ये केस जो मैंने अभी पूरी तुम्हें स्टोरी बताई, ये केस अभी भी चल रहा है। ये तीनों लोग अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और अभी तक कोई भी जस्टिस नहीं मिला है विक्टिम्स को या उनकी फैमिली को। कोई भी कंक्लूजन नहीं आया इस केस पे अभी तक। ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन सोसाइटी की नज़रों में, एक नॉर्मल इंसान जो अपनी वाइफ के साथ रहता है, एक नॉर्मल वाइफ के साथ रहता है, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि असली में वो क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों में इन्वॉल्व है, और वो दोनों मर्डरर्स हैं। और ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम भी काफ़ी सारे लोगों के बीच में रहते हैं, हम भी सोसाइटीज़ में रहते हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ रहते हैं। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि इस सोसाइटी में, तुम्हारी सोसाइटी में, जिनको तुम नॉर्मल समझ रहे हो, यू हैव नो आइडिया कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है। वेरी पॉसिबल कि तुम्हारी सोसाइटी के अंदर भी कोई ऐसा नॉर्मल कपल हो जो ऐसी किसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो। आई रियली होप कि ऐसा ना हो, बट इट्स वेरी पॉसिबल। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द केरला ह्यूमन सैक्रिफाइस। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी सी क्रीपी लगी होगी। और अगर तुम्हें लगी है तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। हमें मिलता हूँ तुमसे अगली।